यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर में संवाद। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, किंस्विद गुरुतरम भूमे, पृथ्वी पर गुरु से बड़ा कौन है? किंस्विद उच्चतरम च खात, आसमान से ऊंचा कौन है? किंस्विद शीघ्रतरम वायो, वायु से ज्यादा तेज कौन है? किंस्विद बहुतरम तृणात्, ईंधन से तेज जलाने वाला कौन है? युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला, माता गुरुतरा भूमि, भूमि पर माता गुरु से बड़ी है। खाता पितोच्चतरस्त, आसमान से ऊंचा पिता है। मना शीघ्रतरम वाता, वायु से ज्यादा तीव्र मन है। चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता ईंधन से ज्यादा जलाने वाली है। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, कह शत्रु दुर्जयः पुंसाम, मनुष्य का अजेय शत्रु कौन है? कश व्याधिर अंत का, और कभी ना अंत होने वाली व्याधि क्या है? कीदृशश्च स्मृतः साधुर असाधु कीदृशाम स्मृतः, अर्थात किसको साधु कहा जाता है, असाधु कौन माना जाता है? युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला, क्रोधः सुदुर्जय, मनुष्य का अजेय शत्रु क्रोध है। शत्रु लोभो व्याधिर अंतक, कभी न अंत होने वाला रोग लोभ है। सर्वभूत हितः साधु, सब प्राणियों का हित करने वाला साधु होता है। असाधु निर्दय स्मृत, निर्दय को असाधु कहा गया है। शब्दार्थ किंश्वित कौन खात, आकाश से बहुतरम अपेक्षाकृत अधिक प्रवसतः परदेश में रहने वाले का आतुरस्य रोगी का दुर्जय कठिनाई से जीतने योग्य पुंसाम मनुष्यों का अनंतकः कभी अंत न होने वाला सर्वभूत हित सभी प्राणियों का हित करने वाला। उच्चारणम कृत पुस्तिकायां च लिखित किंस्विद उच्चतरम किंस्विद शीघ्रतरम पितोच्चतरस्ततः वातचिंतः शत्रु दुर्जयः व्याघ्र अंतकः साधुर असाधु निर्दयः। अधो लिखितान यक्षस्य प्रश्नान युधिष्ठिरस्य च उत्तराणि पठित्वा मननम कुरुत। यानी अधो लिखित, यहाँ जो यक्ष के प्रश्न दिए गए हैं और युधिष्ठिर के उत्तर दिए गए हैं, इनको पढ़िए और मनन करिए। देखिए, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यहाँ संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है, यहाँ करके दिखाया गया है। चौथा, उपयुक्त कथनानाम साक्ष्यम आम, अनुपयुक्त कथनानाम साक्ष्यम न इति लिखत। यानी जो उपयुक्त कथन है उसके सामने आम या हाँ लिखना है, और जो अनुपयुक्त है वहां न लिखना है, यहाँ करके दिखा दिया गया। देखिए कि अधो लिखित पदान प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत, यानी जो यहाँ पर पद दिए गए, शब्द दिए गए, आपको वाक्य की रचना करनी है। निम्नलिखित पदानाम विलोम पदम लिखत, यहाँ विलोम पद लिखना है छठे में। सातवें में रेखांकित पदान अधिकृत प्रश्न निर्माणम करो, तो जो रेखांकित पद हैं वहां पर प्रश्न का निर्माण करना है, एक करके दिखाया गया है। फिर एक नए अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।